हेलो गाइज, मैं हूं गौतम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा कॉलेज एग्जाम्स 2021-22 के ऊपर। गाइज, यहां पर जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेम वाले स्टूडेंट हैं उनके बार बार कमेंट आ रहे हैं कि भाई रीअपेयर के फॉर्म कब निकलेंगे, यानी कि जो पिछले सेशन के स्टूडेंट हैं जिनके फर्स्ट सेम में, थर्ड सेम में, फिफ्थ सेम में री आई हुई है, उनको अब री के फॉर्म भर के पेपर देने हैं और पास होना है, तो वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्म कब निकलेंगे। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि गाइस आपको पता होगा कि अब की बार जो एग्जाम्स होने वाले हैं स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि यूजी और पीजी के, वो होंगे फरवरी के अंदर। यहाँ पर आप न्यूज़ भी देख सकते हो, ठीक है। तो यार, रेगुलर के जो एग्जाम्स होंगे वो फरवरी के अंदर होंगे। हम बात कर रहे हैं रीअपेयर के फॉर्म्स की। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो रीअपेयर के एग्जाम होते हैं वो भी रेगुलर के साथ ही होते हैं। तो यार, कहीं ना कहीं आपके भी एग्जाम किस में होंगे? फरवरी के अंदर। अब बात करते हैं आपके फॉर्म्स कब निकलेंगे और फिर बात करेंगे कैसे क्या भरना है, ठीक है। तो गाइस देखो, आपके जो फॉर्म्स हैं वो एग्ज़ाम से लगभग 25 या 30 दिन पहले निकलते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए अगर फरवरी के अंदर एग्ज़ाम है तो अब जनवरी के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक के स्टार्टिंग के आसपास आपके जो फॉर्म हैं उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर IGU, MDU जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अब एग्ज़ाम होने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस आप मान के चलिए जनवरी के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, और आपको फॉर्म भरना है। अब बात करते हैं फॉर्म आप कैसे भरेंगे। तो देखो यार, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक नोटिस भी वायरल हुआ था कि अब की बार शायद IGU का नोटिस था वो, कि अब की बार ऑफलाइन ही भरे जाएंगे फॉर्म, ऑनलाइन नहीं भरे जाएंगे। तो यार, ये सारी की सारी बातें फेक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाते हैं। यार, ज़माना डिजिटल हो रहा है और ऐसे नोटिस वायरल करते हैं, मतलब भाई वायरल करने वाले भी पागल हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। कैसे भरने हैं मैं आपको बता देता हूँ और कितनी फ़ीस होती है ये भी बता देता हूँ। तो देखो यार, यहाँ पर आपको फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरने हैं। आप किसी भी साइबर कैफ़े से भरवा सकते हो या फिर अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन रहता है, वहाँ पर जाके खुद भी भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ीस की बात करें तो गाइज़ यहाँ पर जो नॉर्मल फ़ीस रहती है वो यहाँ पर देखो, इंदिरा गांधी का मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है, और इतनी ही होती है सबकी, लगभग सेम, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 700 से 800 रुपये, ठीक है। तो ये फ़ीस रहती है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ दोनों की दोनों बातें। जनवरी के अंदर यहाँ पर आपके फॉर्म निकलने वाले हैं और सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, आप सब अब की बार क्लियर कर दें एग्ज़ाम। और दूसरा, फॉर्म भरने का मैंने आपको बता ही दिया है, आप ऑनलाइन भी खुद भी भर सकते हो घर पे बैठ के, साथ ही साथ किसी भी जो यहाँ पर ऑनलाइन इंटरनेट की शॉप होती है, साइबर कैफ़े होते हैं, वहाँ भी भरवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे वो 150 रुपये ऊपर लेते हैं और जो फीस होती है वो लगती ही है, ठीक है, यानी कि 700-800 के लगभग फीस लगती है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।